नमस्कार, फ्राइडे फेबल्स की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। फ्राइडे फेबल्स ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है श्रोताओं तक महान साहित्यकारों की रचनाएं पहुंचाने का और साथ ही नई पीढ़ी में श्रोता और पाठक तैयार करने का भी, क्योंकि कहानी सुनकर अगर अच्छा लगा तो यंगस्टर्स कहानी पढ़ेंगे भी और इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता लोगों को साहित्य के साथ जोड़ने का। मैं फ्राइडे फेबल्स की आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस मंच पर मुझे कहानी पढ़ने का मौका दिया। आज जिस लेखिका की कहानी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उनका नाम है इस्मत चुगताई, जिनके जिक्र के बगैर कहानी की बात ही अधूरी है। इस्मत चुगताई को उनके चाहने वालों ने बड़ी मोहब्बत से आपा नाम दिया था। इस्मत आपा 1915 में बदायूं यूपी में जन्मी थी, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। तुम्हारे खमीर में तेजाबियत कुछ ज्यादा है, किसी ने इस्मत आपा से कहा था। तेजाबियत यानी कि कुछ तीखा, तुर्श और नरम दिलों को चुभने वाला, और खमीर यानी कि जोशो खरोश। तो ये दोनों ही खासियतें यानी ये दोनों क्वालिटीज इस्मत आपा के व्यक्तित्व में और उनके द्वारा रचे गए सारे ही साहित्य में अपने पूरे तेवर के साथ दिखाई देती हैं। इस्मत आपा 1930 के आसपास हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज की उन पहली चुनिंदा औरतों में से थी जिन्होंने एक लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय तबके की दबी कुचली सकुचाई लेकिन जवान होती हुई लड़कियों की मनोदशा को अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में बड़ी सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ बयान किया था, और ये बहुत ही खास बात है। 1991 में बंबई में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन बावजूद इसके वो आज भी अपनी रचनाओं के जरिए हमारे बीच पूरी तरह से मौजूद हैं। आज उनकी जो कहानी आपको मैं सुनाऊंगी उसका नाम है दो हाथ। दो हाथ कहानी में इस्मत आपा ने अपने बचपन का किस्सा बयान किया है। उनके अब्बा बड़े ओहदे पर सरकारी अफसर थे और उनके दफ्तर यानी शागिर्द पेशे में बहुत से नौकर हुआ करते थे। ये शागिर्द पेशा, ये लफ्ज जो है कहानी में बार दफा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं एक बार इसका मतलब आपको बताती हूँ। शागिर्द पेशा यानी जो दफ्तर होता है उसमें जितने भी लोग कर्मचारी काम करते हैं उनके मातहत, उनको शागिर्द पेशा बुलाया जाता है। तो उसी शागिर्द पेशे में उनकी एक पुरानी बूढ़ी मेहतरानी थी और था उस मेहतरानी का बेटा राम अवतार, उसका इकलौता बेटा था और वो लड़ाई पर चला गया था लगभग 3 साल के लिए। तो पीछे रह गई उसकी नई ब्याहता बीवी गोरी। इस्मत आपा ने उस वक्त में इस कहानी में गोरी के पात्र के जरिए नारी विमर्श से जुड़े हुए बहुत ही बोल्ड मुद्दे उठाए हैं जो आज भी हमारी सोसाइटी में रेलेवेंट हैं। जो औरत की अपनी सेक्सुअलिटी, उसकी अपनी पहचान, उसकी खुशी, उसकी मर्जी, उस मर्जी की अभिव्यक्ति, ये सारे मुद्दों को तो कहानी में छुआ ही है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो समाज में व्याप्त जो एक दोगलापन, खोखलापन, या जिसको हम सोशल हिपोक्रेसी कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार होता है मिडिल क्लास, उस पर करारा तंज कसा है। और जब कहानी अपने अंत तक पहुंचती है तो नारी विमर्श के साथ साथ उसमें दलित विमर्श भी आ जाता है। उस वर्ग की बात जो हमारी जिंदगियों से गलाजत दूर करता है, बहुत ही खास है वो, लेकिन उसको पहचान को दबा के रखा जाता है। वो कैसे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इस हिपोक्रेसी के मुंह पर एक करारा तमाचा होता है। तो अब हम कहानी अपनी शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब शागिर्द पेशे में खबर आई कि राम अवतार लौट कर आ रहा है। राम अवतार लाम पर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई, जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए राम अवतार पूरे 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चीपड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे।
मारे शुक्रगुजारी के वो दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन पैरों के मालिकों ने ही उसका इकलौता पूत लाम से जिंदा सलामत मंगवा लिया हो। बुढ़िया 50 बरस की होगी पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें से बस राम और तरवा बड़ी मिन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी में चाहे साल भर भी नहीं बीता था कि राम अवतार की पुकार आ गई। बुढ़िया ने बहुत बावेला मचाया मगर कुछ न चली। और जब राम अवतार आखिरी बार वर्दी पहनकर उसके पैर छूने आया तो वो उसकी शान और शौकत से बे इंतहा मरहूब हुई, जैसे वो करने ही तो हो गया था। अब जो राम अवतार के लौटने की खबर आई तो शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी सब उसी पर आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर तोप बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो गई होगी। भूरी वर्दी डांट कर वो पुराना राम अवतरवा वाकई न रहा होगा। नामुमकिन है वो गोरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से खौल न उठे। गोरी राम अवतार की बीवी, ब्याह कर आई तो क्या मसमती थी गोरी। जब तक राम अवतार रहा उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रूप पर नूर का जलवा न देखा। जब खसम गया तो कैसी बिलख बिलख कर रही जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मैले की टोकरी ढोती फिरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सारा बसंत रुत का किया धरा है। कुछ साफ वो कहते थे गोरी थी ही चिनार, राम अवतार की जोते में कयामत हो गई, कमबख्त है वह थी ही है वह चिखलाना। कूल्हे पर मैले की टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनकाती जिधर से गुजर जाती लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की पट्टी फिसल कर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नजर तवे पर सुलगती हुई रोटी सोचट जाती। बिजली का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपरासियों तक की बिल्ला लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब ये सरापा कयामत घूंघट में से बांध फेंकती गुजर जाती तो सारा शागिर्द पेशेंट बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वो एक दूसरे की दुर्गति पर तानाजनी करने लगते। धोबन मारे गुस्से के फलक की कुंडी लौट गई। चपरासन छाती से चिमटे लौंडे को बेबाक धमके चढ़ने लगते और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता। नाम की गोरी थी पर कम वक्त स्याह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी कुवड़िया ने पराठे तलकर उसे चमकता हुआ छोड़ दिया। चौड़ी फुकना सी नाक फैला बदाना, दांत मांझने का उसके साथ पुश्त ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में काजल थोपने के बाद भी दाई आंख का भयंगापन ओझल न हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कैसे जहर में मुझे तीर फेंकती थी कि निशाने पर बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार न थी, खासी पुटला सी थी, झूठन खा खा के दुम्बा हो रही थी। चौड़े भैंस के सकुर जिधर से गुजर जाती कड़वे तेल की सड़ान छोड़ जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी। तीज त्योहार पर लहर कर कजरियां गाती तो उसकी आवाज सबसे ऊंची लहराती चढ़ती चली जाती। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया,
पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, बदरिया सी बरसूं, हो बदरिया सी बरसूं, घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी मोरी, लाज निगोड़ी मोरी, रोके है पैया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बुढ़िया मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही उससे बेतरह बदगुमान हो गई। बैठे बिठाए एहतियातन गालियां दे देती, उस पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे फिरती, मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मैला ढोने से उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर फिर वहीं थम गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी, हम लोगों के आमल नाल उसी ने गाड़े थे। जो ही अम्मा के दर्द लगते मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज वक्त लेडी डॉक्टर तब को निहायत मुकीद हिदायतें देती, बलाइयात को दफा करने के लिए तावीज भी लाकर पट्टी से बांध देती। मेहतरानी के घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लॉर्डली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपरासन मालन और बावरचन की तो बात और थी, हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इठलाते देख कर ठिनक जाता। अगर वो उस कमरे में झाड़ू देने जाती जिसमें उनके मियां होते तो वो फौरन बड़बड़ा कर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीन कर भागती कि कहीं वो डायन उनके शौहरों पर टोना टोटका न कर रही हो। गोली कहती बस एक मरखना लंबे लंबे सींगों वाला बिजार था कि छुट्टा पड़ता था। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेट कर कलेजे से लगाते और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ी तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बाकायदा वफद यानी कि झुंड अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरा और उसके खौफनाक नताइज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सभी भावजों ने शदो मत से यानी पूरी श्रद्धा से वोट दिए और अम्मा को सदर एजाजी का ओहदा सौंपा गया। सारी खवातीन हस्बे मरातब यानी हैसियत के मुताबिक जमीन पीढ़ियों और पलंग की अदवाइन पर बैठी। पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई। मुकदमा पेश हुआ। क्यों ये चुड़ैल, तूने कामुक बहू को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पर कोदो दले? इरादा क्या है तेरा, क्या मुंह काला कराएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हरामखोर को चार चोट की मार भी गई, मैं तो रोटी भी खाने को ना दे पर रांड मेरे तो बस की नहीं। अरे रोटी की क्या कमी है उसे? बावरचन ने ईटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावरचन और फिर तीसरी बीवी, क्या नखरा था कि अल्लाह की पनाह। फिर चपरासन मालन और धोबन ने मिलकर मुकदमे को और भी संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी ख्वाहिश सदा पिंडलियां खुजलाती रही। बेगम साहब अब जैसी बताओ वैसी करने से मोए ना थोड़े ही, पर क्या करूं कि रांड में टेंटवा दबा गया। टेंटवा दबने के हसीन ख्याल से महिलाओं में मसर्रत की एक लहर दौड़ गई। सबको बुढ़िया से बे इंतहा हमदर्दी पैदा हो गई। अम्मा ने राय दी, मुई को महके फिकवा दे। बेगम साहब कहीं ऐसा हो सके? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ नहीं आई है, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं तब जाकर मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो दो गाय आ जाती, मजे से भर पलसी दूध देती, पर ये रांड तो दुलकियां नहीं देती।
अगर इसे मैके भेज दिया गया तो इसका बाप इसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, दो हाथों वाली है पर चार आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता। ये बुढ़ापा तो अब बहू के दो हाथों के सदके में बीत रहा है। महिलाएं कोई ना समझना थी, मामला अखलाकियात से हटकर इक्तसादियात पर आ गया था, यानी कि मोरालिटी से हटकर रियलिटी पर आ गया था। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी है, 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे। उन 200 के अलावा जो ब्याह पर बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा खर्चा कहां से आएगा। राम अवतार को जो तनख्वाह मिलती थी वो सारी उधार में डूब जाती थी। ऐसी मोटी ताजी बहू अब तो 400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की चार कोठियां निपटाती है। रांड काम में चौकस है वैसे, फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर इस लुच्ची का जल्द अज जल्द कोई इंतजाम ना किया गया तो कोठी के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत बावेला मचाया, घर जाकर बहू को मुंह भर भर के गालियां दी, झोंटे पकड़ के मार पीटा दी। बहू उसकी जरघरी थी, पिटती रही, बड़बड़ाती रही, और दूसरे दिन सारे मामले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची भिष्टी और धोबी ने तो अपनी बीवियों के मरोड़ इसे शुरू कर लेते वहीं से, थोड़ा पीछे से कर लो। मगर दो चार दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का रतिराम अपनी ताई से मिलने आया, फिर वहीं रह पड़ा। दो चार कोठियों में काम बढ़ गया था, सो भी इसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा ही तो घूमता था, उसकी बहू अभी नाबालिग थी इसलिए गौना नहीं हुआ था। राम अवतार के आते ही मौसम एकदम लौट पौट कर बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तितर बितर हो गई। बहू के कहकहे खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए, और जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दो तो वो चुपचाप झूलने लगता है, ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय बेनथे बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टाफ के मर्द अगर उसे छेड़ते भी तो वो चुनमुई की तरह लजा जाती, और अगर ज्यादा आंख दिखाते तो घूंघट में से भेंगियां कर टेढ़ा करके रतिराम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता, सामने आकर डर जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से ये आनंददायक ड्रामा देखती गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया, और वो अमले की मर्द जात पर मुश्तमिल था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तलकर दिया करता था, अब कुंडी साफ न करने पर गालियां देने लगा। धोबी को शिकायत होती थी, मैं कलक लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता हूं, यह हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहां की गलाजत का रोना रोते रहते। और भिश्ती जो उसके हाथ धुलाने को कई मशके लिए तैयार रहता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती मगर टालता रहता, ताकि वो सूखी जमीन पर झाड़ू दे तो चपरासी गर्दा उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू बेचारी सर झुकाए चुपचाप सबकी डांट फटकार एक कान सुनती दूसरे कान उड़ा देती। न जाने सास से क्या जाके कह देती कि वो काए काए करके सबका भेजा चाटने लगती। अब उसकी नजर में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। फिर एक दिन दारोगा जी दाढ़ी वाले, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अम्मा के खास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में दस्तबस्ता हाजिर हुए और उस भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे जो बहू और रतिराम के नाजायज ताल्लुकात से सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से जुड़ी और बुढ़िया को बुलाकर उसके लगते लिए गए। अरे निगोड़ी, खबर भी है तेरी ये कामुक बहू क्या बुल खिला रही है। तो मेहतरानी ने ऐसे चुंधरा कर देखा जैसे कुछ नहीं समझती, गरीब किसका जिक्र हो रहा है। और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है
कि बहू और रतिराम के ताल्लुकात नाजायज हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही काबिले एतराज हालत में पकड़े गए हैं। तो उस पर बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के बुढ़िया बहुत चरापा हुई, बड़ी बावेला करने लगी, ए राम अख्तरवा होता है तो उन लोगों की खबर लेता, जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहू ने घोड़ी को चुपचाप राम अख्तर की याद में आंसू बहाया करती है, काम की जान तोड़ के करती है, किसी को शिकायत नहीं होती, कठोल भी नहीं करती। बहुत समझाया मगर वो तो मातम करने लगी कि सारी दुनिया उसकी जान की लागू हो गई है। अगर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है, वो तो किसी के लेने में न देने में, आज तक उसने किसी का भांडा नहीं फोड़ा, तोड़कियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, उसे क्या पड़ी है जो किसी के फटे में पैर घुसा दिखे। मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छूटता, इन बूढ़े हाथों ने बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं, ये दो हाथ चाहे तो रानियों के तरफ उलट दे, मगर नहीं, उसे किसी से बुग्ज नहीं, लेकिन अगर उसके गले पर छुरी दबाई गई तो शायद उससे गलती हो जाए, वैसे वो किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से बाहर नहीं आने देगी। उसका तिहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए, महिलाएं उसे कुछ कहने लगी, अरे बहू कुछ भी करती थी, उनके अपने किले तो महफूज थे, फिर शिकायत कैसी। फिर कुछ दिनों के लिए लोग बहू के इश्क की चर्चा भूलने लगे, मगर ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि कुछ दाल में काला है, बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल में काले को ज्यादा देर न छुपा सका, और लोग बुढ़िया को समझाने लगे, मगर इस नए मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न भाइया में बताने लगी, बिल्कुल ऐसी बन गई जैसे ऊंचा सुनती हो। अब वो ज्यादातर खाट पर बैठी बहू और रतिराम पर हुकुम चलाया करती, कभी खांसती छींकती धूप में बाहर आ बैठती तो वो दोनों उसकी ऐसे देखरेख करते जैसे वो कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसे बहुत समझाया, अरे रतिराम का मुंह काला कर और इससे पहले कि राम अवतार लौट कर आए बहू का इलाज करवा डाल, वो खुद इस फन में माहिर थी, दो दिन में सफाई हो सकती थी। मगर बुढ़िया ने कुछ समझ कर ही ना दिया, बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुटनों में पहले से ज्यादा ऐठन होती है, नीच कोठियों में लोग बहुत ही ज्यादा बादी चीजें खाने लगे हैं, किसी न किसी कोठी में दस्त लगे ही रहते हैं। उसकी इस सालमटोल पर जलकर उपदेश देने वाले भी परेशान हो गए, भाई माना बहू नादान है, औरत जात है, भोली बड़ी बड़ी शरीफजादियों से खता हो जाती है, मगर उनकी आला खानदान की मौजूद सासें यों कान में तेल डालकर तो नहीं बैठ जाती, मगर न जाने ये बुढ़िया क्यों सटिया गई है, जिस बला को वो बुढ़िया बड़ी आसानी से कोठी के कूड़े की तह में दफन कर सकती थी उसे आंखें नीचे पलने दे रही है। खैर राम अवतार के आने का इंतजार था, हर वक्त धमकियां तो देती रहती थी, आन दे राम अवतरवा का, कहां की तोड़ हड्डी पसली एक कर दे। और अब राम अवतार लाम पर से जिंदा वापस आ रहा था, फिजा ने सांस रोक ली थी, लोग एक मुहिब हंगामे के मुंतजर थे, मगर लोगों को सख्त खौफ हुई जब बहू ने लौंडा जाना, बजाय उसे जहर देने के बुढ़िया की मारे खुशी के पांचे खिल गई। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर वो कतई आश्चर्यचकित न थी, घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती थी, उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुत समझाया, अरे लौंडा राम अवतार का हो ही नहीं सकता, मगर बुढ़िया ने कुछ समझ कर ही ना दिया। उसका कहना था, आषाढ़ में राम अवतार लाम पर गया, जब मैं पीली कोठी के नए अंग्रेजी वजह के संडास में गिर पड़ी थी, अब चैत लग रहा है और जेठ के महीने में मुझे लू लगी थी और बाल बाल बच गई थी, जब इसे मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया, बैद जी हरामी है, दवा में खड़िया मिला के देते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल असल सवाल से हटकर खिलाओं की तरह वाल वाल बकने लगती। अब किसके दिमाग में इतना भूता था कि वो बात उस बुढ़िया को समझाता जिसे ना समझने का वो फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई, राम अवतार को बाल चुम्मा प्यार के मालूम हो कि यह सब कुशल है,
तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं। आज तुम्हारे घर में जो है पुत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत का तार समझे, जल्दी से आ जाओ। लोगों ने सोचा राम अवतार जरूर चौराप्पा गया होगा, मगर सब उम्मीदों पर रोष पड़ गई जब राम अवतार का मसरत से लबरेज खत आया कि वो लौंडे के लिए मोजे और बनियान ला रहा है। जंग खत्म हो गई है और अब बस वो आने ही वाला है। बुढ़िया पोते को घुटनों पर लेटाए खाट पर बैठी राज किया करती, भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा। सारी कोठियों का काम तुरंत तुरंत हो रहा हो, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा हो, घुटने पर पोता सो रहा हो। खैर, लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा, असलियत मालूम होगी। और अब राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था, आखिर सिपाही है, क्यों ना खून खोलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा, जो बहू की सीता चश्मी यानी कैरेक्टरलेस हरकतों की वजह से सो गई थी, दो चार खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी थी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा, बुढ़िया उसे देखते ही उसकी कमर से लिपट कर चिंगारने लगी, मगर दूसरे ही लम्हे खीसे काढ़े लौंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ही ना हो। लोगों की नजर उन दोनों पर। राम अवतार लौंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप। फौरन उसने संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। लोगों ने सोचा वो खुकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसने उसमें से लाल बनियान और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की कुव्वते मर्दाना पर जरबकारी लगी। है तेरे की साला सिपाही बनता है हिजड़ा जमाने भर का। और बहू जैसे सिमटी सिमटाई नई नवेली दुल्हन ने कांसे की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और चरण धोकर पिए। लोगों ने राम अवतार को गावदी कहा, उसे समझाया, मगर वो गावदी की तरह खीसे कड़े हंसता रहा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा। रतिराम का गौना होने वाला था सो वो चला गया था। लोगों ने राम अवतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज्यादा गुस्सा किया। हमारे अब्बा, जो आमतौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वे भी जस बस हो गए। अपनी सारी कानूनदानी का दाम लगाकर राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। राम राम सरकार। क्यों बे, तू 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं सरकार, थोड़ा कम ज्यादा इतना ही रहा होगा। उधर लौंडा साल भर का है इतना ही लगे सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुरा। राम अवतार शर्माए, अबे तू हिसाब लगा ले। जब कल लगाऊं सरकार? राम अवतार मरघिल्ली आवाज में बोला, अबे उल्लू के पट्टे, ये कैसे हुआ? अब जमा कह जाने से कर, भगवान की देन है। भगवान की देन? तेरा सर, ये लौंडा तेरा नहीं हो सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेर कर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वो कुछ कुछ कायल सा हो गया। फिर वो मरी हुई आवाज में अहमकों की तरह बोला, तब क्या करो सरकार, हराम जाते को मैंने बड़ी मार दी। गुस्से में बेकर कर बोला, अबे उल्लू का पट्टा है तू, निकाल बाहर क्यों नहीं करता कंबख को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके? क्यों बे? हजूर 250-300 फिर दूसरी सगाई के लिए कहां से लाऊंगा? अब बिरादरी जमाने में 200-400 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का तावान तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जे मैं ना जानू सरकार, हमारे में ऐसे ही हो गया। मगर लौंडा तेरा नहीं राम अवतार, उस हरामी रतिराम का है। अब्बा ने आज जाकर समझा। तो क्या हुआ सर? मेरा भाई होता है रतिराम, अपना ही खून है, कोई गैर नहीं है। नीरा उल्लू का पट्टा है। अब्बा भिन्ना उठे, सरकार
लौंडा बड़ा हो जाएगा, अपना काम समेटेगा। राम अवतार ने गिड़गिड़ा कर समझाया, वो दो हाथ लगाएगा तो अपना बुढ़ापा तैयार हो जाएगा। निदामत से राम अवतार का सर झुक गया और न जाने क्यों एकदम अब्बा का भी सर झुक गया, जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ ना हरामी है ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ है जो दुनिया के चेहरे से गलाजत धो रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं। तो ये थी कहानी दो हाथ इस्मत चुगताई की कहानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फ्राइडे फेबल्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये कहानी सुनाने का मुझे मौका दिया।